Hello my dear friend, I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, I am here to assist you for the UPSC preparation. Whatever I am providing here, that is the precise study for the UPSC and all the state PCS examination. Friends, do not worry about the preparation because whatever I am providing here that is the data from the prominent institution i am providing all the data within the free amount here come along with me and reach up to the zenith of your career okay friends let's get started today questions hello friends today i will speak about the 20th video of the economics This video is hindi and english Let's start first 91st question consider the following statements regarding graded surveillance measure मतलब ग्रेडेड सर्विलेंस मेजर क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ ए मैकेनिज्म टू सेफ गार्ड डोमेस्टिक मैनुफैक्चरर फॉर डंपिंग ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स मतलब क्या है ये मैकेनिज्म है जो सेफ गार्ड करता बचाव करता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर जो अपने लोकल में यहाँ पे मैनुफैक्चरर हैं कुछ कंपनियाँ लगाए हुए हैं फैक्ट्रियाँ लगाए हुए हैं तो उनको डंपिंग ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स इम्पोर्टेड गुड्स सस्ते भाव में यहाँ पर डाल देते हैं जैसे चाइना आइटम है तो उनको बचाने के लिए ग्रेडेडेड सर्विलेंस मेजर है सेकंड है इट वाज इंट्रोड्यूस बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट डेवलपिंग कंट्रीज तो यह डब्ल्यू के द्वारा चालू किया गया है डेवलपिंग कंट्रीज को बचाव के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए फ्रेंड्स साथ के साथ अटैम्प्ट करते रहोगे तो आपको आगे आने वाले क्वेश्चन पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और गलत होता तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊँगा तब आपको लंबे टाइम तक रिटेंशन होगा माइंड में ये है फर्स्ट ओनली B है सेकेंड ओनली C है फर्स्ट एंड सेकेंड और D है नाइदर वन नो टू तो इसका आंसर D है क्या है रिसेंटली द स्टॉक प्राइज ऑफ ए यूएस कंपनी यूएस कंपनी का स्टॉक प्राइज क्या है गेम स्टोप जिस कंपनी का नाम था गेम स्टोप हैज फ्लक्चुएटेड एक्सट्रीमली विद इन वन मंथ एक मंथ में ज़्यादा डाउन आ गया ऊपर चला गया फ्लक्चुएट हुआ दिस प्राइज फ्लक्चुएशन कार्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्मॉल इन्वेस्टर अक्रॉस द वर्ल्ड तो जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता है तो स्मॉल इन्वेस्टर को दिक्कत आती है अगर उसका डाउन चलेगा तो बिल्कुल ही दिक्कत आएगी अब आ गया तो उसको भी बेनिफिट हो जाएगा बट दूसरों को नुकसान हो जाएगा तो उसको स्मॉल इन्वेस्टर जो थोड़े पैसे लगाते हैं उनके लिए बचाने के लिए है फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ग्रेडिड सर्विलेंस मेजर्स ग्रेडिड सर्विलेंस मेजर इज ए मैकेनिज्म टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में तो उनको बचाने के लिए है दे आर एम्ड एट प्रिवेंटिंग अनवॉर प्राइसिंग्स जो आप चाहते नहीं हो प्राइस स्विंग्स हो रहे हैं ऊपर नीचे एंड मेनुप्लेन ऑफ द्स कैपिटलाइजेशन बिलो फी फाइव करोड़ तो दो सौ पच्चीस करोड़ से जो नीचे पैसा लगाते हैं या उसको उनका ऊपर नीचे एकदम से प्राइज हो जाता है तो उसके लिए सेफ गार्ड मैकेनिज्म है सेकेंड स्टेटमेंट भी इन करेक्ट है security and exchange board of india has introduced the measures to observe security that witness an abnormal price rise which, in, which is not commensurate with the financial health and fundamental of the company such as earnings book value price to earning ratio among others the main objective of this measure to alert and advise investors to be the extra cautious dealing with तो उससे भी क्या होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंडिया में है जो क्या है हमारा ये स्टॉक मार्केट में पैसे के रेगुलेशन करता हैज़ इंट्रोड्यूस द मेजर टू ऑब्जर्व सिक्योरिटीज दैट विटनेस इन अब नॉर्मल राइज मान लो किसी में एकदम से पैसा उसका रेट बढ़ जाता है तो कॉमन से रेट क्या फाइनेंशियल हेल्थ या उसकी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ वैसी नहीं है फंडामेंटल कंपनी कैसे हैं अर्निंग्स है बुक वैल्यू प्राइस जो उसकी सिचुएशन है मतलब उससे ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो मैनुप्लेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोई आदमी शेयर खरीद लेता है ये पहले बहुत सारे केस हुए भी हैं ऐसे मार्केट में तो इसका क्या है अलर्ट एंड एडवाइज इन्वेस्टर जो पैसा लगाते हैं उनको इन्वेस्ट करने वाले को अलर्ट करना है विद दिस सिक्योरिटी दिस मैकेनिज्म हेल्प्स इन एडवाइजिंग मार्केट पार्टिसिपेंट टू कैरी आउट नेसेसरी ड्यू डिलीजेंस विद वाइल्ड डीलिंग इन दिस सिक्योरिटी तो जो सिक्योरिटी के साथ डील करते हैं उनको पता रहेगा कि हमें किस में पैसा लगाना ही लगाना उनको अलर्ट करता है कि ये गलती से या कुछ मैनुपलेट करके हुआ है इसका स्टॉक का प्राइस अप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो दोनों के दोनों उसमें गलत हैं तो इसका डी आंसर था नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द ग्रांटिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज उनको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्रोवाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस टू द इंडस्ट्री तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देता है इंडस्ट्री को सेकेंड है इट अलाउज द चीपर क्रेडिट एट बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल ये अलाउ करता है चीपर जो क्रेडिट है आपको लोन मिलेगा एट द बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल थर्ड है कंस्ट्रक्शन ऑफ द लग्जरी होटल्स एंड मेडिकल कॉलेज आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स जो कंस्ट्रक्ट करना लग्जरी होटल का या मेडिकल कॉलेज है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की लिस्ट में है सेक्टर में या नहीं तो कौन सा स्टेटमेंट आपको बताना है करेक्ट है या नहीं है ए है फर्स्ट ओनली बी है फर्स्ट एंड सेकेंड सी है सेकेंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तो इसका सोल्यूशन सी है फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है दो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आता है इज द नोडल एजेंसी टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इट पीडिकली अपडेट द हारमोनाइज मास्टर लिस्ट मास्टरलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर्स विच कंटेन सेक्टर्स दैट आर प्रोवाइडेड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है द इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस इनेबल टू अवेल इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग एट ईजर टर्म्स मतलब उनको उधार या पैसा जल्दी से कम दाम पर मिल जाता है एनहांस लिमिट लिमिट भी ज्यादा हो जाती है सब्सटेंसली लोअर इंटरेस्ट है लोअर इंटरेस्ट रहता है एक्सेस टू लार्जर अमाउंट्स ऑफ फंड एज एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग तो बाहर से भी पैसा मिल जाता है एक्सेस टू दी दॉन्गर टेनियर फंड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी एंड द पेंशन तो इनसे उसको पैसा मिल जाता है थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है अराउंड थर्टी फोर थर्टी फोर सेक्टर्स आर नोटिफाइड एज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स अक्रॉस फाइव कैटेगरी लाइक ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक एनर्जी वाटर एंड सैनिटेशन तो चौथी सेक्टरों को इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रांसपोर्ट है लॉजिस्टिक्स है एनर्जी है वाटर सैनिटेशन है कम्युनिकेशन है सोशल एंड कॉमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर है द सोशल एंड कॉमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी इंक्लूडस कंस्ट्रक्शन ऑफ द लग्जरी होटल्स एंड मेडिकल कॉलेज तो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में रखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द निर्विक स्कीम प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवर टू एक्सपोर्टर्स जो निर्यात करते हैं उनको इंश्योरेंस कवर देता है निर्विक स्कीम के बारे में स्टेटमेंट है फर्स्ट है इट कवर्स द रिस्क ऑफ द नॉन रियलाइजेशन ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसीड ड्यू टू पोलिटिकल रिस्क ये रिस्क जो नॉन रियलाइजेशन ऑफ द एसपोर्ट है पॉलिटिकल रिस्क है मान लो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती है तो वहाँ पे चीज़ों के दाम घट बढ़ते हैं बहुत दिक्कत आती है तो उसको कवर करता है क्या रिस्क को एंड द सेकेंड वन इज़ इट प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवर ओनली द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द एक्सपर्ट्स जो मतलब प्रिंसिपल मेन मूल है जो आपका उस पैसे पे ही आपको इंश्योरेंस मिलता है या आपके ब्याज वगैरह पे भी मिलता है थर्ड है इट मे हेल्प एक्सपोर्टर्स टू अवेल इजी क्रेडिट्स जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको ईजिली पैसा मिल जाता है लोन मिल जाता है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए ए है फर्स्ट सेकेंड थर्ड बी है फर्स्ट एंड थर्ड सी है सेकेंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट एंड सेकेंड तो इसका सोल्यूशन बी है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉपोरेशन हैज़ इंट्रोड्यूस ए न्यू एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम ई सी आई आज बोलते हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम काल निर्विक तो निर्यात ऋण विकास निर्यात ऋण विकास टू एनहांस लोन अवेलेबिलिटी एंड ईज ऑफ लैंडिंग प्रोसेस ई सी जी सी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड वॉज सेटअप बाई नाइनटीन फिफ्टी सेवन टू प्रमोट एक्सपोर्ट बाई दी प्रोवाइडिंग क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस एंड द रिलेटेड सर्विस फॉर द एक्सपोर्ट्स इट वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर काम करता है जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है फर्स्ट स्टमेंट करेक्ट है इट प्रोवाइड्स रेंज ऑफ द इंश्योरेंस कवर इंडियन एक्सपोर्ट्स अगेंस्ट द रिस्क ऑफ द नॉन रियलाइजेशन ऑफ द एक्सपोर्ट्स प्रोसिंग डू द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क तो इसका मतलब है कि रेंज ऑफ इंश्योरेंस कवर एक इंश्योरेंस कवर की रेंज दे देता है इंडियन एक्सपोर्टर को जो यहाँ से निर्यात करते हैं अगेंस्ट द रिस्क ऑफ द नॉन रियलाइजेशन ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसेज ड्यू टू कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क मान लो कॉमर्शियल की वजह से या पॉलिटिकल रिस्क की वजह से उनको पैसा वहां पर कम मिल रहा है तो उसको गारंटी दे देता कि जो जो बचता हुआ पैसा हुआ वो गवर्नमेंट दे देगी ये कॉरपोरेशन दे देगी सेकेंड स्टेटमेंट इनका दिस स्कीम्स प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू द एक्सपोर्टर फॉर द बोथ पॉलिटिकल एंड प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट मतलब जो प्रिंसिपल आपका है मूल है उसके पास साथ ब्याज को भी कवर दे देता है इंश्योरेंस कवर अर्लियर एक्सपोर्ट्स क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइडेड सिक्सटी परसेंट कवरेज टू द बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट नाउ इट हैज इन्हांस टू दाइन्टी परसेंट टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स तो पहले साठ परसेंट इंश्योरेंस कवर मिलता था अब नब्बे परसेंट हो गया है एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है द कवर प्रोवाइड्स एडिशनल कम्फर्ट टू द बैंक्स एज द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द बोर ओवर इज इन्हांस एज डबल ए रेटेड अकाउंटेड तो एडिशनल कम्फर्ट देता है बैंक क्रेडिट को इनको बोर ओवर को कि भाई पैसा इनके पास ज़्यादा आएगा विच इज जनरली हेल्प एक्सपोर्ट टू अवेल इजी क्रेडिट डबल ए रेटेड मतलब जैसे हमारी मूडी है या फिंच है तो ये हमेशा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं जो बैंक की या किसी भी देश की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं ये क्रेडिट बताती हैं कि भाई यहाँ पैसा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा तो उसके ये कोड रहते हैं डबल ए रहता है ए डबल बी रहता है ऐसे ही एक तो इन्वेस्टमेंट ग्रेडिंग होती है फिर एक जंक आ जाती है जिसमें बिल्कुल वो मान लो उनको पैसा दिया तो डूबेगा इसलिए ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का बहुत फ़र्क पड़ता है तो इससे उनको इफेक्ट पड़ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं करंसी द फॉइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉमन क्लेचर ऑफ द करेंसी करंसी का नॉमल क्लेचर के बारे में स्टेटमेंट है फर्स्ट है सॉफ्ट करेंसी इज द लिस्ट प्रीफर्ड फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड एंड होल्डिंग रिजर्व सॉफ्ट करेंसी मतलब आपकी जैसी हार्ड में ना हो आपकी नेट पे हो डिजिटल करेंसी है वैसे उसको लिस्ट प्रीफरेंस दिया जाता है सेकेंड है होट करेंसी इज द डोमेस्टिक करंसी दैट इज द डिप्रिशिएटिंग ड्यू टू फाइट इन द हार्ड करेंसी होट करेंसी उसको बोलते हैं डोमेस्टिक करेंसी को दैट इज डिप्रिशिएट मतलब उसकी वैल्यू डाउन आज या ड्यू टू फ्लाइट ऑफ दी हार्ड करेंसी हार्ड करेंसी के ऊपर जाने से थर्ड है हीटेड करेंसी इज हार्ड करेंसी दैट इज एग्ज एग्जिटिंग एन इकोनॉमी एट फास्टर पेस तो जो इकोनॉमी को फास्टर पेस पे पीछे छोड़ रही है हीटेड करेंसी बोलते हैं हार्ड करेंसी इज़ एन इंटरनेशनल करेंसी इन दिच हाइएस्ट फेथ इन सोन ज़्यादा फेथ दिखाते हैं आदमी उसमें क्या हाई हार्ड करेंसी बोलते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए ए है फर्स्ट एंड सेकेंड बी है सेकेंड एंड थर्ड सी है थर्ड एंड फोर्थ डी है फर्स्ट एंड फोर्थ एंड इसका करेक्ट आंसर डी है एंड फ्रेंड्स जो भी मैं आपको यहाँ डाटा प्रोवाइड कराऊँ वो बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन का डाटा है टेस्ट सीरीज़ है और आपके आने वाले एग्जामिनेशन में हाईएस्ट मतलब मोस्ट इम्पॉटेंट क्वेश्चन है आपके यूपीएससी में या कोई भी स्टेट पी सी एग्जामिनेशन में तो आप इनको ज़्यादा सीरियस लें जैसे एज ए क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करें जिससे आपको हेल्प मिलेगी तो इसका सोल्यूशन डी है स्टेटमेंट वन करेक्ट है सॉफ्ट करेंसी इज द वन विच ए वैल्यू दैट फ्लक्चुएट प्रिडोमिनटली लोअर एज द रिजल्ट ऑफ द कंट्री पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी अब सॉफ्ट करेंसी किसको बोलते हैं विद वैल्यू ऑफ द फ्लक्चुएट्स जिसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती है ऊपर नीचे जाती है प्रिडोमिनटली लोअर ज्यादा लो भी चीज जाती है एज ए रिजल्ट ऑफ द कंट्री पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी पॉलिटिकल मान लो अनसर्टेनिटी है या इकोनॉमिक डाउन आ गई इट इज़ ए हाइपर सेंसिटिव एंड फ्लक्चुएट्स फ्रीक्वेंटली, ड्यू टू दिस दे आर द लीस्ट प्रीफर्ड फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड एंड होल्डिंग रिजर्व मान लो एकदम से डाउन नीचे चले जाएंगे तो कौन पैसे को रखेगा उसको सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है होट करेंसी इज द टेम्प्रोरी नेम फॉर द हार्ड करेंसी होट करेंसी हार्ड करेंसी को भी बोलते हैं दैट इज एग्जिटिड इन एनी इकोनॉमी एट द फास्ट पेस फॉर द टाइम द हार्ड करेंसी सेट टू बी द होल्ड करेंसी मान लो करेंसी बिल्कुल ही एकदम से निकल जाए मार्केट से और एकदम से उसको हार्ड करेंसी को भी होल्ड करेंसी बोलते हैं टेम्परे नेम है इसका थर्ड है हीटेड करेंसी करेंसी डिनोट्स डोमेस्टिक करेंसी दैट इज अंडर इन अ हीट ऑफ द डिप्रेशन ड्यू टू हार्ड करेंसी हाई टेंडेंसी ऑफ द एग्जिटिंग तो हाई करेंसी आपकी या हार्ड करेंसी है एकदम से ऊपर जा रही है तो हीटेड करेंसी है जो बिल्कुल डाउन मार रही है उसको बोलते हैं प्रेशर में है एंड फोर्थ इज़ हार्ड करेंसी इज़ द इंटरनेशनल करेंसी इन विच द हाईएस्ट फेथ इज़ सोन हार्ड करेंसी बोलते हैं जो हाइएस्ट फेथ दिखाते है, हैं आदमी नीडेड बाई दी एवरी इकनॉमी सब चाहते हैं इन द वर्ल्ड टुडे यू एस डॉलर यूरो जैपनीज एंड द यू के स्टेरलिंग पाउंड आर द एग्जाम्पल ऑफ द हार्ड करेंसी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विद रेफरेंस टू द इनर लाइफ परमिट सिस्टम रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट द इनर लाइफ परमिट इज़ इशूड बाई देंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब होम मिनिस्ट्री के द्वारा इशू किया जाता है क्या सेकेंड है ओनली इंडिजीनियस कम्यूनिटीज कैन सेटल ओन लैंड एंड गेट्स जॉब इन दरिया क्या जो इंडिजीनियस वहाँ की रहने वाली जातियाँ क्या वही रह सकती हैं वहाँ से जॉब ले सकती हैं थर्ड है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट विल अप्लाई टू आई एल पी एरिया अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था सी ए तो क्या आई एल पी एरिया के लिए लागू है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए ए है फर्स्ट एंड थर्ड बी है सेकेंड सी है थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तो इसका सोल्यूशन बी है इनर लाइन परमिट इज ए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय दॉन नेटिव टू मतलब जो वहाँ के रहने वाले नहीं हैं और स्टे करते हैं दैट प्रोटेक्टिंग एरिया अंडर द आईएलपी कौन से प्रोटेक्टिंग एरिया हैं एट प्रेजेंट फोर नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स आर कवर्ड नेमली अरुणाचल प्रदेश मिजोरम मणिपुर नागालैंड तो अरुणाचल प्रदेश मिजोरम मणिपुर नागालैंड में कुछ एरिया को इनर लाइन परमिट की जरूरत रहती है अगर कोई वहाँ घूमने जाता है तो ड्यूरेशन ऑफ द स्टे एंड एरिया अलाउड टू बी असैस फॉर द नॉन नेटिव्स आर डिटरमाइंड बाय द आईएलपी द इनर लाइन परमिट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 तो बंगाल में जो कुछ अंग्रेज़ों ने लगाया था कि भाई यहाँ एरिया में आपको जाने के लिए क्योंकि वो वो सोचते थे कि अगर यहाँ नॉन नेटिव बंदे हैं यहाँ जाके विद्रो फैला देंगे आदमी को इवोक कर देंगे या इनवोक कर देंगे तो उसी के लिए उसी का एक मान लो एक्सटेंडेड फॉर्म है ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है दी एल पी इज़ इश्यूड बाई द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट जिससे ही मान लो जिस एरिए का वही गवर्नमेंट इशू करेगी एंड कैन बी अवेल बोथ अप्लाइंग ऑनलाइन एंड इन पर्सन या कोई आप जाके भी या ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है टू एंटर दिज फोर स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट एनी आउटसाइडर इंक्लूडिंग इंडियन सिटीजन्स नीड्स आई एल पी ओनली इंडिजीनियस कम्युनिटीज कैन सेटल एन ओन लैंड एंड गेट जॉब्स इन दिज एरिया जो वहाँ के रहने वाले हैं बस वही ले सकते हैं सबको आई एल पी चाहिए चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरनर हो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट अप्लीकेबल टू आई एल पी एन सिक्स शेडूल एरिया दो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किया था जो पाँच कम्युनिटीज को वैलिड है तो वो यहाँ परमिटेड नहीं है सिक्स शेड्यूल एरिया में सिक्स शेड्यूल एरिया में चार है स्टेट हैं एम टी एम अरुणाचल प्रदेश मिजोरम त्रिपुरा मेघालय नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विद रेफरेंस टू द एक्सपेंसरी फिजिकल पॉलिसी कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट फिजिकल पॉलिसी एक्सपेंसरी के बारे में स्टेटमेंट है एक्सपेंसरी मतलब जो फैल रही है फैला कैसे रही है कि आपको मान लो फिजिकल पॉलिसी का क्या मतलब है कि आपके रेट वगैरह थोड़ा सा महंगाई जा रही है कम नहीं कर रहे रेट आपके लैंडिंग रेट ज़्यादा कर रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ ए स्ट्रेटजी मतलब स्ट्रेटजी है टू रिवाइव द ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर थ्रू सब्सिडीज एंड ट्रांसफर पेमेंट मतलब सब सब्सिडी दे दो आदमी को या ट्रांसफ़र कर दो पेमेंट डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र कर दो तो उसके लिए एक्सपेंशन के लिए है क्या ग्रोथ के लिए सेकेंड है द टैक्स रेट्स आर रेज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल कैपेसिटी इन एक्सपेंसरी फिजिकल पॉलिसी तो टैक्स रेट क्या है इंक्रीज किए जाते हैं क्या फाइनेंशियल जो एक्सपेंसरी फिजिकल पॉलिसी है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए ए है फर्स्ट ओनली बी है सेकेंड ओनली सी है दोनों ठीक हैं डी है दोनों गलत हैं तो इसका ए आंसर करेक्ट है फर्स्ट इसमें करेक्ट है टू ओवरकम इकोनॉमिक रिसेशन मान लो जैसे अभी आया हुआ था रिसेशन पेंडेमिक सिचुएशन के बाद रिसेशन आ गया घाटा आ गया तो फिजिकल पॉलिसी वाज सजेस्टेड बाय दी जे एम केन्स ये इकोनॉमिस्ट हैं इनके द्वारा सजेस्ट किया था केन्स केन इज बोल सकते हैं द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इट्स स्पेंडिंग टू स्पर एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी मान लो गवर्नमेंट को क्या पैसा खर्च करना चाहिए आदमी के पास पैसा होगा तभी तो, तो पर होगी डिमांड आगे बढ़ेगी स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस टैक्स कट्स एंड इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग आर एग्जाम्पल ऑफ द एक्सपेंडिचर टैक्स कट करना पड़ेगा अगर आदमी को ज़्यादा पैसा देना पड़ गया तो कहाँ से वो खर्चा करेंगे जैसे कोई व्हीकल कब खरीदेगा क्योंकि उसके पास पैसा होगा उसको टैक्स कम पे करना पड़ेगा तो वही है जो आजकल चल रहा है सिनारियों इसीलिए ये क्वेश्चन है सेकंड स्टेटमेंट इनके रेक्ट है क्योंकि टैक्स तो कम करना पड़ेगा द गवर्नमेंट अटैम्प टू इंक्रीज डिमांड बाई गिविंग ए विंडल टू सीजन वाया ए टैक्स कट इन दिस मॉडल टैक्स रेट्स आर रेड्यूस नोट वाइबर्स आर तो टैक्स रेट कम किए जाते हैं ना कि बढ़ाए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एन ई वे बिल इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग केसेस ई वे बिल किसी सिचुएशन में नहीं मतलब जनरेट किया जाता फर्स्ट है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फॉर फुली सप्लाई टू हाउस होल्ड्स मान लो एलपीजी के जो सिलेंडर हैं आपके हाउस होल्ड्स में जा रहे हैं तो ई वे बिल आपको नहीं चाहिए होता सेकंड है कैरोसिन ऑयल सोल्स अंडर दी पीडीएस अगर आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर कैरोसिन ऑयल बेचा जा रहा है तो उसमें भी ई वे बिल नहीं चाहिए होता आपको और थर्ड है पोस्टल बैगेज ट्रांसपोर्ट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मान लो पोस्टल बैगेज है आपके अगर वो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं तो उनको भी नहीं देना पड़ता फोर्थ है गुड्स बिंग ट्रांसपोर्टेड बाई दी नॉन मोटराइज कन्वेंस मान लो कोई रिक्शा में लेके जा रहा था उसको ई वी बिल नहीं चाहिए होता क्या फिफ्थ है अल्कोहलिक लिक कर बिंग ट्रांसपोर्टेड इन फ्रॉम ह्यूमन कंजम्प्शन मान लो आदमी अपने कंजम्पशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह में ले जा रहा है तो ई वी बिल की जरूरत नहीं पड़ती है क्या कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए ए है सेकेंड एंड थर्ड बी है फोर्थ एंड फिफ्थ सी है फर्स्ट थर्ड फोर्थ और डी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो इसका आंसर डी है जैसे ई वे बिल और इलेक्ट्रिक वे बिल इज ए डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस अंडर द जी एस टी रेजीम दैट सीज टू भी जनरेटेड बिफोर ट्रांसपोर्टिंग और श्पिंग गुड्स वर्थ मोर देन फिफ्टी थाउजेंड विद इन स्टेट मान लो पचास हजार से ज़्यादा की कीमत की चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो उसको विद स्टेट और विद इन द इंटर स्टेट ई वे बिल इज़ नॉट रिक्वायड टू बी जनरेटेड इन द फॉलोइंग केसेज अगर मान लो आई एन आर होता है इंडियन नेशनल रुपये रुपये को बोलते हैं इंडियन नेशनल रुपये तो पचास हज़ार से कम की चीज़ है ना एक जगह से दूसरे जगह जा रही है तो उसको कहीं भी ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है चाहे स्टेट के अंदर जा रही हो चाहे बाहर जा रही हो अगर पचास हज़ार से ज़्यादा कीमत है तो उसको ई वे बिल की ज़रूरत है क्योंकि पहले क्या होता था एक जगह से दूसरी जगह मान लो ट्रक गुड्स लेके जाते थे तो उनको हर जगह पर टैक्स पे करना पड़ता था या उनके बैरियर लगे रहते थे उनको वो कई बार पैसे बचाने के लिए तोड़ तोड़ के भागते थे पर क्या है मान लो अभी क्या है ई वे बिल का स्कीम है ई वे बिल लेना होता है बंदे को तो किस किसी ई वे बिल अलाउड है जैसे एल पी जी एल मतलब जिनके लिए अलाउड नहीं है लिक्विड पेट्रोलियम गैस फॉर सप्लाईज हाउस होल्ड आर नॉन डोमेस्टिकड कैटेगरी कस्टमर्स तो जो घरों के लिए जाता है उसके लिए ई वे बिल लेने की जरूरत नहीं है एल पी जी सिलेंडर या कैरोसिन है पी डी एस की पब्लिक मान लो राशन कार्ड के तहत आपको जो कैरोसिन ऑयल मिलता है उस पर भी नहीं है पोस्टल बैगेज है उसके लिए भी नहीं है या नॉन मोटराइज कन्वेंस या रिक्शा से आपका भेजा जा रहा तो नहीं है एल्कोहलिक लिककर है बिंग ट्रांसपोर्टेड फॉर दी ह्यूमन कंजप्शन पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पीड स्प्रिट है पेट्रोल या नेचुरल नेचुरल गैस है या एशन ट्रबाइन फूल ए टी एफ लिए नहीं लगता करेंसी के नहीं लगता तो ये जो आपके लिए करेंसी यूज फॉर पर्सनल एंड हाउस होल्ड के लिए नहीं लगता उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विद रेफरेंस टू द उदय कोटेक कमेटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज दर करेक्ट उदय कोटेक कमेटी के बारे में स्टेटमेंट है आपको आंसर बताना कौन सा करेक्ट है फर्स्ट है इट वॉज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट रिकमेंडेड दैट चेयरमैनशिप इज लिस्टेड कंपनीज शुड बी लिमिटेड ओनली फॉर द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड एग्जीक्यूटिव होते हैं जो कार्यकर्ता होते हैं तो उनके लिए के डायरेक्टर्स रहते हैं जो बोर्ड के उसी के लिए रहती है क्या चेयरमैनशिप थर्ड है द कमेटी रिकमेंडेड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्ट ऑन द बोर्ड टू लिस्टेड एज कंपनी टू फिफ्टी तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्ट है पचास परसेंट होने चाहिए क्या इससे ज़्यादा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए ए है फर्स्ट ओनली बी है फर्स्ट एंड सेकेंड सी है सेकेंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तो इसका सोल्यूशन सी है स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है उदय कोटेक कमेटी वाज कंस्टिट्यूट बाय द सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये मुंबई में है टू ओवरऑल द दॉरपोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म इन द कंट्री द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन द कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड प्रोटेक्ट माइनॉरिटी सेल्स होल्डर जिसके पास कम कम शेयर हैं गरीब आदमी हैं तो उनके लिए क्या है ये रेगुलेट करने के लिए उदय कोटेक कमेटी उनका एन्वायरमेंट सुधारने के लिए है कॉरपोरेट के लिए सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है इट रिकमेंडेड रोल ऑफ द सेपरेशन ऑफ द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एक तो चेयरमैन होता है एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इनका रोल का सेपरेशन करना हैगजीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब जो कार्यकर्ता में नहीं है वो एग्जीक्यूटिव नहीं है उसी को मैनेजर की चेयरमैन की पोजिशन देनी चाहिए लिस्टेड फर्म्स विद मोर देन फोर्टी परसेंट ऑफ द पब्लिक शेयर होल्डिंग शुड है चेयरपर्सन एम डी और सी तो जिसके मान लो चौ चालीस परसेंट गवर्नमेंट के शेयर होल्डिंग्स है उसमें एमडी अलग होना चाहिए और चेयर पर्सन अलग होना चाहिए या सीईओ जो एमडी या सीईओ फिर चेयर पर्सन अलग होना चाहिए थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है इट रिकमेंडेड दैट एट लीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड मेम्बर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एज लिस्टेड कंपनीज वाई ऑल डायरेक्टर मस्ट अटेंड एट लीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड मीटिंग्स हा आधी से ज़्यादा मीटिंग अटेंड करनी है ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं पेयर्स दिए हुए हैं जैसे रिपोर्ट्स जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक क्या वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की जाती है सेकेंड है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट क्या आई के द्वारा रिलीज की जाती है थर्ड है ट्रेवल एंड टूरिज्म कम्पटिटिव रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोम के द्वारा रिलीज की जाती है क्या फोर्थ है ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट बैंकिंग ऑफ फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा की जाती है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट मैच है आप आंसर बताइए तो कौन सी रिपोर्ट कौन कौन सा बैंक देता है या क्या करते हैं तो उसके बारे में ए है फर्स्ट एंड सेकेंड बी है सेकेंड थर्ड फोर्थ और सी है थर्ड एंड फोर्थ और डी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तो इसका आंसर बी है पहले हम जान लेते हैं कौन कौन सी रिपोर्ट कौन सी देता है फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म किसके द्वारा रिलीज किया था है आई एम एफ के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑनलाइन ईयर में कभी भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार आया है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो विश्व की जो इकोनॉमिक की सिचुएशन के आउटलुक है उसका आई एम एफ के द्वारा रिलीज किया था द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट इज पब्लिश बाय द वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा बट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है वो आई एम एफ के द्वारा सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट मैच है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज पब्लिश बाई द आई एम एफ द रिपोर्ट एम्स टू प्रोवाइड रेगुलर असेसमेंट ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट एंड टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल सिस्टमैटिक वीकनेस दैट कूड लीड टू क्राइसिस इसकी वजह से क्राइसिस आ सकता है उनको पहचानने के लिए है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी रहेगी आईएमएफ के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ के द्वारा तो हमें याद रखना है थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटेटिव रिपोर्ट मतलब ट्रैवल या टूरिज्म के बारे में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाती है इंडिया सिक्स प्लेस ऊपर पहुंच गया है थर्टी फोर पर आ गया है ड्रिवन बाई द रिच नेचुरल एंड कल्चरल रिसोर्सेज स्ट्रॉग प्राइज कंपेटिटिवनेस फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट इज पब्लिश बाई द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट है जो बैंक ऑफ फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा रिलीज की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कौन सी जी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डाटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स बाई द आर बी आई अभी बहुत ये चल रहा है कि डाटा लोकलाइज करना है जैसे कोई भी कंपनी है बाहर की तो उसके बारे में स्टेटमेंट है फर्स्ट है इट डज नॉट बार द प्रोसेसिंग ऑफ द पेमेंट ट्रांजेक्शन आउटसाइड इंडिया मतलब ये रोकता नहीं है यहाँ से अगर बाहर ट्रांसफर हो रहा है या बाहर से यहाँ आ रहे हैं सेकेंड है द पेमेंट्स डाटा कैन नॉट बी सेयर विद द ओवरसीज़ रेगुलेटर पेमेंट डाटा क्या है जैसे बाहर वाले के लिए शेयर किया जा सकता है तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए ए है फर्स्ट ओनली बी है सेकंड ओनली सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है नाइनटीन वन नो टू तो इसका करेक्ट आंसर ए है डाटा लोगेइजेशन इज द एक्ट स्टोरिंग डाटा एनी डिवाइस फिजिकली प्रेजेंट विद इन दॉर्डर्स ऑफ द कंट्री वहाँ मान लो एक देश में जैसे इंडिया का डाटा है तो इंडिया का ही रहना चाहिए कितना पैसा ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से हो रहा है लोकलाइजेशन मैंडेट्स दट कंपनी कलेक्टिंग क्रिटिकल डाटा मस्ट चोर एंड प्रोसेस दैम विद इन द कंट्री आर बी आई फॉलोर द रिकमेंडेशन ऑफ द बी एन श्री कृष्णा कमिटी ऑन डाटा प्रोटेक्शन फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है एज पर द डाटा लोकलाइजेशन सेट अप बाय द आरबीआई बी इज नो बार ऑन द प्रोसेसिंग ऑफ द पेमेंट ट्रांजैक्शन आप बाहर जा सकते हैं द पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स विल हैव जैसे गूगल पे वगैरह विल हैव टू इन्श्योर द डाटा इज स्टोर ओनली इन इंडिया आफ्टर द प्रोसेसिंग इन केस ओनली बात है कि अकेला इंडिया में स्टोर होना चाहिए इन द केस ऑफ द प्रोसेसिंग डाटा डन अप्रोड द डाटा शुड बी डिलेटेड फ्राम द सिस्टम अप्रोड एंड बैक टू इंडिया नोट लेटर देन दी वन बिजनेस डे और ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर अंदर यहाँ पे डाटा आना चाहिए वहाँ से डिलीट हो जाना चाहिए विच एवर इज अर्लियर द सेम शुड बी स्टोर ओनली इन इंडिया इंडिया में ही स्टोर होना है सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है द पेमेंट सिस्टम डाटा मे सेयर विद एन ओवरसीज रेगुलेटर इफ़ रिक्वायर बट विद दी अप्रूवल दी आर बी आई आर बी अप्रूवल देगा तभी बाहर शेयर होगा और डाटा नहीं तो नहीं इंडिया में ही रहेगा बी एन श्री कृष्णा कमेटी थी डाटा लोकलाइजेशन के बारे में ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है that is all for today i will come tomorrow with more questions and please share my video among friends so that they can get benefited within the free amount thanks for watching bye